झारखंड प्रदेश जदयू का राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन राजधानी रांची के एक बैंकेट हॉल में रखा गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश जदयू के प्रभारी, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार शामिल होंगे। इस राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता झारखंड प्रदेश जदयू के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद खीरू महतो करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए पार्टी 2024 चुनाव की तैयारी शुरू करेगी। तो बता दें आपको, देखिए स्वाभाविक तौर पे चुनाव आयोग के मामले को लेकर के राज्य के अधिकारी जनता सभी में भ्रम की स्थिति है और कहीं ना कहीं इससे विकास भी थोड़ा अवरुद्ध हो रहा है। तो हमें लगता है कि राजभवन को भी जल्द इस मामले पर पटाक्षेप कर देना चाहिए। महामहिम ने भी कहा है कि वक्त आने पर लिफाफा खुलेगा, तो आखिर वो वक्त कब आएगा? प्रश्न ये है कि वक्त कब आएगा। तो माननीय हेमंत सोरेन ने एक प्रेस वार्ता कर अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश की और उल्टे उन्होंने और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रांची से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ है। रुचि, झारखंड प्रदेश जदयू का राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो रखा गया है, क्या कुछ खास तैयारी है? बिल्कुल, देखिए रश्मि, दिखाना चाहूंगी कि ये जो राज्य स्तरीय सम्मेलन है ये एक बैंक्वेट हॉल में रखा गया है और ये राज्य स्तरीय सम्मेलन जो है कई मायनों में अहम माना जा सकता है, क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह वो इसमें शिरकत करेंगे और वहीं जो बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी हैं जो कि झारखंड प्रदेश प्रभारी भी हैं, तो झारखंड में पार्टी की साख किस तरह से मजबूत हो इस पर भी प्रयास किया जाएगा। वहीं 2024 को देखते हुए भी कई सीटों से जो है जदयू अब चुनाव लड़ सकती है, तो इन सब सारी जो कई चीजें हैं इस पर चर्चाएं होंगी। हालांकि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना एक खास बात है। हमारे साथ जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो मौजूद हैं, श्रवण कुमार जी हैं। श्रवण कुमार जी, कितनी जो अहम बैठक है, राज्य स्तरीय सम्मेलन है, कितना अहम माना जा रहा है? देखिए, आज जो हमारी पार्टी का झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड का राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है, निश्चित तौर में आज जो ये सम्मेलन होगा और जो इस सम्मेलन में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी जो आ रहे हैं, झारखंड को राजनीति में एक नई दशा और दिशा तय होगी इस सम्मेलन के माध्यम से। और हमारा जो जनता दल यूनाइटेड का जो मिशन है 2024 का, हमारे आदरणीय नेता बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे देश के विपक्ष को एकजुट करने का, जो केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है जो पूरे देश की जनता के खिलाफ एक से एक नीति ला रही है, जो आज भ्रष्टाचार का देश में मामला है, जो महंगाई का मामला है, जो बेरोजगारी का मामला है, इसको लेकर के जो बिगुल फूकने का काम किए हैं आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, उसमें एक अहम आज का दिन झारखंड के लिए इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है हमारा, इसमें हजारों लोग, हमारे कार्यकर्ता हजारों की संख्या में आज यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सवेरे से ही लोग सभी जिलों से, रेल के मार्ग से, सड़क के मार्ग से सब पहुँच रहे हैं और सभी कार्यकर्ता यहाँ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों को सुनकर काफ़ी उत्साह से लबालब होकर के अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और जनता दल यूनाइटेड आने वाले दिनों में झारखंड की नंबर 1 पार्टी के रूप में दिखेगी।
बिल्कुल, देखिए रस्मी राजनीति है। कुछ दिन पहले यही जदयू जो है भाजपा के साथ थी। हालांकि हम अंदर लिए चलते हैं, अंदर की व्यवस्था दिखाते हैं। सागर जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं। अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं बैठने की, हजारों कार्यकर्ता साथ में बैठेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन सिंह है वो संबोधित करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री जो बिहार सरकार के हैं श्रवण कुमार जी, वो भी रहेंगे और कई जो मुख्य नेता कार्यकर्ता हैं उन्हें भी मंच पर जगह मिली है और कई जो लोग हैं वो धीरे धीरे अभी से ही पहुंचना शुरू हो गए हैं। हालांकि जो कार्यक्रम है वो 12:30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले किस तरह से पार्टी की मजबूती के लिए, आप लोग कुछ दिन पहले तो यही भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन आज क्या जदयू जो है राजद से गठबंधन करेगी यहाँ झारखंड में भी? देखिए, आज पार्टी का राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह जी भाजपा मुक्त झारखंड का बिगुल फूकेंगे और कई लोग, आज पूर्व विधायक गौतम सागर राणा जी भी अपनी पार्टी झारखंड जनता दल यूनाइटेड विलय कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में। बिगामिन जी हमारे जो पार्टी में पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे वो शामिल हो रहे हैं। अखिलेश राय जी जो भारतीय जनता पार्टी में गए थे वो शामिल हो रहे हैं और एक तरीके से लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव 2024 में झारखंड को भाजपा मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी आज यहाँ आ रहे हैं और सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से ठसाठस लोग भर करके आ रहे हैं और आज इस कार्यक्रम के बाद 2024 में जनता दल यूनाइटेड की क्या रूपरेखा होगी ये आज तय हो जाएगी और आने वाले दिनों में यहाँ पर मुख्यमंत्री झारखंड का जनता दल यूनाइटेड का होगा। ये प्रयास रहेगा जदयू का रश्मि, और जदयू की पहले से भी मांग रही थी कि जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो झारखंड प्रदेश पर भी ध्यान दिया जाए और जदयू किस तरह से यहाँ पर जो सांगठनिक रूप से मजबूती हो वो प्रदान की जाए। लेकिन कह सकते हैं कि काफी सालों बाद यहाँ जदयू का जो एक बड़ा कार्यक्रम राज्य स्तरीय सम्मेलन है वो रखा गया है। अब देखना होगा कि पार्टी जो बूथ स्तर से लेकर के कितनी मजबूत हो पाती है। हालांकि दावा तो यह किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में के मुख्यमंत्री यहां पर होंगे, प्रयास जारी है और यही वजह है कि आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या फिर बिहार सरकार के जो कई मंत्री हैं वो भी यहां पहुंचेंगे और लगातार, ये तो पहला सम्मेलन है लेकिन लगातार इस तरह के सम्मेलन जारी रहेंगे। कई जो महिला कार्यकर्ता भी यहां पर और प्रदेश के पदाधिकारी यहां हैं उनसे भी हम बात करते हैं, इधर आएंगे। कितने मजबूती लग रहा है कि इस राज्य स्तरीय सम्मेलन से दे पाएंगे आप? नीचे नीचे आइए। हम लोग पूरे जोशो खरोश से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। महिला, बच्चे, युवा और झारखंड के तमाम धर्म जाति संप्रदाय के लोग आ रहे हैं और बहुत उत्साह है। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम है नेक्स्ट मंथ में। हम लोग झारखंड में एक क्रांति लाने का काम करेंगे और अपने विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी के बिहार में किए कार्यों को हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इससे झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार मॉडल की मांग हो रही है। तो रश्मि, संभवतः जो है अगले महीने नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम भी यहाँ पर हो सकता है। हालांकि वो जो प्रधानमंत्री पद के जो दावे हैं 2024 को लेकर के वो भी हो रहे हैं। इसे लेकर हम ग्रामीण जो विकास मंत्री हैं बिहार सरकार के, यानी जो झारखंड प्रदेश के प्रभारी हैं जदयू के, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस रूप में देखते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। और हालांकि कई राज्यों में इन्हें अपनी साख मजबूत करने की जरूरत है, वैसे ही झारखंड प्रदेश में भी जो बिहार से सटा प्रदेश है यहाँ पर भी उन्हें अपनी साख मजबूत करने की जरूरत है। हालांकि कार्यकर्ता सम्मेलन है और कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने की जरूरत है। हम दिखाना चाहेंगे कि जो कार्यकर्ता हैं पहुंचे हैं और नीतीश कुमार के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ललन सिंह जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और कई कहां से आ रहे हैं आप लोग? पाकुड़ से। अच्छा, जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं, कितनी इससे पहले किस पार्टी में? नहीं थे, दूसरा पार्टी में। जदयू में भविष्य दिख रहा है? जी जी जी। और शुक्रिया रुचि तमाम जानकारी के लिए। तो मिशन 2024 को लेकर ये खास तैयारी की गई है जिसे लेकर जो है ललन सिंह भी पहुंचेंगे और इस बड़े सम्मेलन को जो है आयोजित किया जाएगा और मिशन 2024 पर चर्चा की जाएगी।